स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोशनाज ब्लॉग में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नेपाल की ओर, तो और दादाजी भी हम लोग के साथ हैं, जो कि जा रहे हैं हम लोग लहन आई हॉस्पिटल। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको नेपाल। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्टेशन की ओर जा रहे हैं। देखिए, हमारे दादाजी सब पीछे लोग हैं और आप हमारे ब्लॉग में रहे। अभी हम लोग ट्रेन में और नेपाल की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए माध्यम से हम लोग ट्रेन में। क्या अच्छा वाइब्स है, अच्छा मोमेंट्स है। ट्रेन पूरा खाली पड़ा है, देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा खाली है, क्योंकि सारे लोग उतर गए हैं और अभी हम लोग जयनगर तक जाएंगे, इस वजह से हम लोग ट्रेन में ही है। बस का कंडीशन है और पीछे मार्केट है और इधर पीछे मार्केट है। तो गाइस, देख सकते हैं आप, ये जो पैसे देख रहे हैं, 500 रुपये में 800 रुपया इंडियन पैसा। अगर 500 रुपये आप लेके आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नेपाल में आपका वो पैसा 800 रुपया हो जाता है। ये देखिए 800, ये नेपाल में ही है, सागरमाथा चौधरी आई हॉस्पिटल। तो गाइस, ये हॉस्पिटल में ऐसा रूल है कि अगर आप मास्क नहीं लगा के जाइएगा तो आपको अंदर प्रवेश नहीं होने देगा। तो हम जा रहे हैं अभी मास्क लेने के लिए और फिर मास्क ले करके आते हैं, फिर आपको अंदर की व्यू दिखाते हैं। चलिए, वीडियो में बने रहे। वैसे अभी मास्क लेने जा रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल गेट के पास पहुंचने ही वाले हैं। ये कुछ अंदर हॉस्पिटल का सीन है। नेपाल का सागरमाथा हॉस्पिटल के बाहर का व्यूज है, जो कि आप देख रहे हैं। और ये बहुत सारा होटल वगैरह यहाँ पे है और ठहरने का प्रबंध भी है यहाँ पे। पीछे देख सकते हैं, बहुत सारा होटल भी है। अब यहाँ पे अगर आपका ऑपरेशन होगा तो
आप यहाँ पे रुकने का ही प्रबंध किया है, आप रुक सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम मास्क ले लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। ये कुछ हॉस्पिटल का सीन है। ये सामने रहा आई टैक्सी, और जा रहे हम गेट के। ये हॉस्पिटल से बाहर का रास्ता है जो आप देख रहे हैं वीडियो में। ये कुछ हॉस्पिटल का व्यूज है अंदर, हरा भरा। दादाजी अभी गए हैं लाइन लगाने, आप देख सकते हैं 20 नंबर काउंटर पे। यहाँ पे 20, 21, 22, 23 तक काउंटर है जो कि यहाँ पे मतलब फीस जमा करना पड़ता है नेत्र का ऑपरेशन के लिए। अब बगल में देख लीजिए, यहीं पे बच्चा का खेलने का सारा सामान लगा हुआ है, आप देख सकते हैं झूला, डोरेमोन, क्या क्या लगा हुआ है सब बच्चा के लिए। यहाँ पे बगल में फूल वगैरह लगा हुआ है, लाइट वगैरह लगा हुआ है। घर के बगल में झारखंड है, वहाँ से एक दोस्त मिला है जो देखिए ये भी आए हुए हैं यहाँ हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल के बाहर का सीन है, हम लोग अभी होटल खोज रहे हैं खाने के लिए, चलते हैं देखते हैं होटल वगैरह। ठीक है, होटल यहाँ पे है, न्यू कृष्णा स्टॉप लाइन होटल। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी खाना खाने के लिए आ गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ये होटल का नाम श्रीराम होटल है और ये हॉस्पिटल के जस्ट सामने ही है। खाना आ गया, दादाजी खा रहे हैं, दादाजी सब खा रहे हैं खाने वाले। फ्रेंड्स ये कुछ हॉस्पिटल का सेमी वार्ड 80 नंबर का कुछ व्यूज है जो कि बेड वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे। यहीं पे हम लोग का इस जगह पे मिला था बेड, दो बेड जो हमारे दादाजी और एक और दादाजी हमारे साथ है उसके लिए, और ऐसे ही सेम उधर भी है आप देख सकते हैं, बहुत ही काफ़ी बड़ा है।
ऑपरेशन थिएटर रूम है। ये बहुत ही प्यारा सा फूल वगैरह लगा हुआ है ये वगैरह, और ये कुछ हॉस्पिटल का व्यू है। और हमारे दादाजी भी बैठे हुए, पीछे भी लाइन लगा हुआ देख सकते हैं। इसमें अभी काफ़ी थक गया, बहुत जगह जाना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर, और काफ़ी जगह भेजते हैं ये लोग, तब जाके ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है। बस ये देख सकते हैं आप, हॉस्पिटल के अंदर के इसी नहीं है थिएटर, मतलब ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा है। ये कुछ ऑपरेशन थिएटर का व्यूज है, और ये ऑपरेशन थिएटर का लाइन में लगे हुए दादाजी। अच्छा, कुछ ऐसा व्यूज है। यहाँ पे दादाजी नंबर लगाए हुए हैं, और ये प्राइवेट वार्ड है, 90 नंबर जो प्राइवेट से देखा जाता है, उसका चार्जेस 250 रुपीस है इंडियन रुपीस, और यहाँ का नेपाली रुपीस में 400 है, देख सकते हैं। एक मिक्सर का पैकेट लिया था मैं, वो इस तरह का पैकेट है जो कि इंडियन रुपीस 10 रुपये और यहाँ का रुपीस में 15-16 रुपये लगभग लगता है। ऐसा है पैकेट इसका। और एक बिस्किट भी लिया था हम लोगों ने, वो देखिए पोटाटा करके लिखा हुआ है, अप्राण कंपनी का है, जो कि नेपाल में मिला था, नेपाली पैसे में इसको इसका कीमत है 32 रुपये, और इंडियन पैसे में इसका कीमत है 22 रुपये। कुछ इस तरीके का बिस्किट देखते हैं, आलू का बना हुआ शायद। मस्त सर, अच्छा बिस्किट। ये कुछ हॉस्पिटल का सीन है, जो यहाँ पे पेशेंट लोग रहते हैं, यहाँ पे 80 पेशेंट एक बार में इसमें अट जाता है। ये कुछ बेड का सीन है, इस टाइप का आप अगर यहाँ पे आते हैं इलाज करवाने के लिए, इस टाइप का बेड मिलेगा आपको, जिसमें कि एक पेशेंट सो सकता है। और आपके लिए आप अगर एक्स्ट्रा आदमी लेकर आते हैं तो आपको धर्मशाला में जाकर रहना पड़ेगा, जहाँ आपको 25 रुपये लगेगा एक दिन का। और बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, और सारा व्यवस्था है इसके अंदर। तो फ्रेंड अभी टाइम हो गया 11:45 में, और मैंने नाश्ता कर लिया। और आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल के अंदर में लगा हुआ है फूल वगैरह, बहुत ही अच्छा। यस नंबर सेम लॉर्ड। ये कुछ आगे धर्मशाला की ओर जाने का रास्ता है, जो आप देख रहे हैं हमारे वीडियो में। यहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं। यहाँ पे नल वगैरह है, यहाँ पे आप मुँह हाथ धो भी सकते हैं। ये धर्मशाला है, यहाँ पे 25 रुपये लगता है रहने के लिए।
ये गेट है। यहाँ पे अगर आप बाइक लेकर आते हैं, आप यहाँ से हैं तो यहाँ पे आप बाइक लगाने का पार्किंग एरिया है। यहाँ पे कान का डॉक्टर बैठता है। यहाँ पे राइट में खाने पीने का सामान मिलता है, धर्मशाला के लिए लेफ्ट में जाने का। यहाँ से आप आँख का चेकअप के लिए यहीं से पहले वर्ड्स अक्षर वगैरह दिखाया जाता है, जिसमें कि आप देख पाते हैं, उसके बाद यहाँ से भेजा जाता है 10 नंबर काउंटर। यहाँ का भी है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऐसा कुछ भी है। यहाँ पे 6 नंबर काउंटर है अंदर में, और ये कुछ काउंटर यहाँ पे, यहाँ पे बच्चे का खेलने का बनाया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग हमारे दादाजी से चश्मा ले लिए हैं। ये दुकान का नाम है रोशन चश्मा, सॉरी। ये कुछ दुकान का व्यू है, आप देख सकते हैं, और चश्मा देने वाला भाई जी इधर है खड़ा है। बनाने वाला देखिए, रेड कलर का जो पहना है, और देखिए यहाँ इधर जरा गुरु है, यूट्यूब पर जाएगा। ये दादाजी बैठे हुए हैं, और ये सारा चश्मा का शीशा के अंदर पैक है। चश्मा का दुकान है, और बहुत ही अच्छे रेट में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और चलिए फिर आगे अभी आपको दिखाते हैं, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। ये रास्ता जाता है ऑपरेशन थिएटर की ओर। ये हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा और सारा सुविधा है यहाँ पे। और अगर आप भारत से नेपाल आते हैं तो सबसे पहले आपको मनी एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का इंडियन पैसा यहाँ नेपाल में नहीं चलता है।
और काउंटर पे अगर आप जाएंगे इंडियन पैसा लेकर के तो आपको यहाँ का करेंसी, यहाँ का पैसा चाहिए, तो आपको बस पकड़ना पड़ेगा। और बस पकड़ने के बाद वहाँ से आपको 50 किलोमीटर की दूरी तय करके आपको सागरमाथा आई हॉस्पिटल आना पड़ेगा, जो कि अच्छा है, स्पेशलिस्ट है, अच्छा बनाया गया है और अच्छा इलाज होता है यहाँ पर। और आप अगर महंगे से महंगे लेंस लगा सकते हैं, जैसे आज हमारे दादाजी जो लेंस लगाए हैं वो 6,000 का है, यहाँ के रुपये में अगर बात करें तो 10,000 का है। ये कुछ फ्रेंड्स जो कि हॉस्पिटल का लोकेशन है, आप देख सकते हैं कितने सारे बेड हैं यहाँ पे। एक बार में एक कंपार्टमेंट 40 बेड है, बहुत ही अच्छा व्यवस्था और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑपरेशन किया जाता है यहाँ पे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है कि आप लोग को भी ये हॉस्पिटल अच्छा लगेगा। तो गाइस अभी हम लोग फिर खुदरा कराने के लिए जा रहे हैं 500 का, देख सकते हैं, चलते हैं चेंज करवाते हैं, उसके बाद फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि 500 रुपये के यहाँ पे 800 रुपये कैसे मिलता है। तो गाइस अभी देख सकते हैं अभी हम लोग चेंज करवाने के लिए आए हैं और भैया जैसे चेंज ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग छुट्टा ले लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल के और फिर दादाजी को देंगे। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग पे बने रहिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे बिहार जमुई डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट करें, क्योंकि मैं भी जमुई ज़िला से ही हूँ। ऐसे ही ब्लॉग हमारे YouTube चैनल रोशन राज ब्लॉग पे आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब हम लोग यहाँ से जाने वाले, तो ये ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।